फिल्म शोले ने पूरे किए 44 साल। निर्देशक रमेश सिप्पी ने सोशल मीडिया पर लिखा ऐसा पोस्ट। हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे पॉपुलर फिल्म शोले, जिसका सम्मान करते हुए लोग राष्ट्रीय फिल्म बोल देते हैं। बता दें कि रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने आज अपने 44 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म ने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन अभिनीत ये फिल्म आज भी देखी जाती है। ये फिल्म सन 1971 में 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की गई थी। रमेश सिप्पी ने 44 साल पूरे होने पर लिखा है कि ये जानकर काफी खुशी होती है कि 44 सालों के बाद भी शोले नई जनरेशन के द्वारा देखा जाती है और काफी पसंद भी की जाती है। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ, इस फिल्म के ये किरदार आज भी लोगों को याद आते हैं। गब्बर फिल्म में गब्बर के रोल के साथ अमजद खान अमर हो चुके हैं। उनकी शानदार आवाज और अभिनय के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। संजीव कुमार ठाकुर, संजीव कुमार ने फिल्म में ठाकुर का रोल किया था, जो कि आज भी लोगों के द्वारा सराहा जाता है। जया बच्चन फिल्म में जया बच्चन ने एक विधवा का रोल किया था, जिसको अमिताभ बच्चन से प्यार हो जाता है। सांभा सांभा का रोल निभाने वाले मैकमोहन भी अब इस दुनिया में नहीं है। काफी शानदार रोल था। बसंती फिल्म में हेमा मालिनी ने बसंती नाम की एक तांगे वाली रोल किया था। उनका सबसे शानदार परफॉर्मेंस था। जानवर भी फेमस, इस फिल्म के कलाकार तो कलाकार बल्कि जानवर तक फेमस हुए। फिल्म धनो नाम की घोड़ी को भी लोग याद करते हैं।